हेलो थर्ड क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, फंक्शंस ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, अलग अलग पार्ट्स के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट और टैप रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, पत्ते की संरचना क्या होती है, हेयर एंड देयर एवरीवेयर, टू लिव ऑन अर्थ वी नीड सनलाइट एयर एंड वाटर, प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी गिव टू ऑल, डोंट कट अस लेट अस ग्रो टॉल, नेचर्स गिफ्ट वी आर प्रीशियस एंड डियर, टेक एन ऑर्ब टू प्लांट वन ट्री ईच ईयर, ए वेरी नाइस पोएम। साइंस के चैप्टर में इतनी अच्छी पोएम लिखी गई है। एक पौधा क्या कहता है, हम यहाँ और वहाँ हर जगह हैं, हम इस पृथ्वी पर हर जगह जीवित हैं, हमें सनलाइट एयर और वाटर की ज़रूरत है, हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, प्लीज़ डोंट कट अस, हमें काटिए मत, हमें बड़ा होने दीजिए, हमें बड़ा होने दीजिए, हम इस प्रकृति के सबसे सुंदर गिफ्ट हैं, अनमोल हैं, और आप सब एक शपथ लें कि आप हर साल एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, ये बात आपको पेड़ ने बोली है तो ठीक है। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग एवरी डे, हम अपने चारों तरफ प्रतिदिन अनेक प्रकार के पौधे देखते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर एंड मेक एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन, प्लांट्स हमारे चारों तरफ की हवा को प्योर करते हैं, उसमें उसको शुद्ध करते हैं और सारे एनवायरनमेंट को क्लीन साफ सुथरा करते हैं और हरा भरा करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन सेवरल मैनर्स, और ये पेड़ पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से फ़ायदेमंद होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स क्या क्या प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, द प्लांट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अधिकतर सभी पौधों के दो ही भाग होते हैं, द रूट सिस्टम द शूट सिस्टम, जड़ों वाला जो प्रणाली होती है वो, और जो इनकी तने वाली प्रणाली होती है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको रूट एंड शूट दोनों सिस्टम दिखाए गए हैं। देखिए जो ब्राउन ब्राउन नीचे वाला है ये आपका रूट सिस्टम है, और इससे जो ऊपर है वो शूट सिस्टम है। आप शूट सिस्टम में देख सकते हैं तने हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, फल हैं और फूल हैं, लेकिन रूट सिस्टम में केवल रूट्स ही हैं। ये नेक्स्ट है आपका द रूट सिस्टम, एंड क्या है रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ प्लांट फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, जो पौधे का जो भाग पृथ्वी के नीचे मिट्टी में होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, यहाँ रूट्स भी दो तरह की होती हैं, एक फाइब्रस रूट होती है, नंबर दो टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट, इन सम प्लांट्स द थिन रूट्स ग्रो इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द स्टेम, दीज आर नोन एज फाइब्रस रूट, ऑनियन मेज बीट है फाइब्रस रूट्स। कुछ पौधों में हम देखते हैं कि बहुत ही पतली पतली सी जड़ें और चारों तरफ पौधे के स्टेम के चारों तरफ निकल जाती हैं, वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। ये फाइब्रस रूट्स होती हैं किस किस पौधे में होती हैं, ऑनियन में होती हैं, मेज़ में, गेहूं में, इन सबको फाइब्रस रूट्स होती हैं। ये हमें उदाहरण में दिखाया गया एक डायग्राम में, ये पतली पतली होती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। इसके बाद है टैप रूट, टैप रूट क्या होती हैं, सम प्लांट्स हैव वन रूट ओनली विच ग्रो फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम एंड मेन रूट इज नॉन एज द टैप रूट, प्लांट सच एज पीपल, मैंगो, बीन, नीम, मस्टर्ड एक्सेट्रा हैव दिस काइंड ऑफ रूट। टैप रूट्स वो होती हैं, कुछ पौधों में हमने देखा एक ही रूट होती है, एक ही जड़ होती है जो कि तने से नीचे की तरफ, तने के साथ जुड़ी होती है और नीचे की तरफ मिट्टी में होती है, इसे हम टैप रूट कहते हैं। ये जो टैप रूट होती है ये होती है पीपल की, मैंगो की, बीन की, नीम की, मस्टर्ड की, और हैव दिस काइंड ऑफ रूट्स, और इस तरह की ही रूट्स इन पेड़ों में होती हैं। ये डायग्राम में दिखाई गई हैं, देखो ये एक, ये ऊपर जो है ये स्टेम है और स्टेम के नीचे टैप रूट्स हैं जो मोटी मोटी हैं।